How to fix Samsung M12 कैमरा फेल्ड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिगराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है कैमरा फेल्ड प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। अगर दोस्तों कैमरा लॉन्च करते वक्त आपका कैमरा फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो कैसे आपको फिक्स करना है, आज के इस वीडियो पर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन बताऊंगा उसको फॉलो करें, प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स्ड हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको जाना है सेटिंग पर, ऐप्स पर जाना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको मिलेगा कैमरा ऑप्शन। तो जैसे आप कैमरा पे क्लिक करोगे, आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे आ जाना है, स्टोरेज पर क्लिक करना है, क्लियर डेटा पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे ही डेटा क्लियर होगा आप एक बार बैक करें। बैक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, परमिशन पर जाना है, सारे परमिशन अलाउ कर देना है। सारे परमिशन अलाउ करने के बाद दोस्तों डिवाइस को रिस्टार्ट करें, उसके बाद चेक करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। तो बस इतना सॉल्यूशन आपका प्रॉब्लम फिक्स कर देगा। बाय एनी चांस अगर आपको अभी भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जाइए दोस्तों अपने सेटिंग पर, सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करें और मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। जैसे मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा आपका प्रॉब्लम फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपने सारे सॉल्यूशन करके देखा फिर भी आपको सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर क्या करना है। तो दोस्तों जाइए जनरल मैनेजमेंट, उसके बाद रीसेट एंड देन फैक्ट्री रीसेट सेलेक्ट कीजिए, फैक्ट्री डेटा रीसेट, उसके बाद रीसेट कर देना है। फैक्ट्री डेटा रीसेट करने के बाद दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट करें, चेक करके देखिए सॉल्व हो चुका होगा आपका प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।